త్రీ న్యూస్కి స్వాగతం రేపటి రోజు బక్రీద్ సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు అదేవిధంగా బక్రీద్ నమాజు ఎలా చదవాలి ఎక్కడ చదవాలి దానిపై పూర్తి సమాచారం కోసం ప్రస్తుతం మన దగ్గర గవర్నమెంట్ ఖాజీ జాహిద్ హుసేన్ గారు ఉన్నారు వారితో మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాం అసలాం వరహతుల బ్రకా జాకీ తమామ్ आवाम को ये बात वाकिफ है कि करोना एक बला बनकर उमड़ी हुई है हर तरफ से दफा रफा लोगों को तबाह बर्बाद कर रही है तो ऐसी हालत में मैं ये मुनासिब बेहतर समझता हूँ कि जो हजरत जिस हिफाजत तरीक़े से हो अपने आप को महफूज कर लें बहुत नाजुक हालत चल रही है अपने आप को महफूज कर लें और आपको जी जैसी सहूलत हो उस तरीक़े से ईद की नमाज़ अदा कर लें कहीं ये उमड़ कर भड़ कर मस्जिदों पर आकर पढ़ कर या कुछ ऐसा मत करें बल्कि आपको जहाँ जहाँ सहूलत हो जाए उस तरीके से आप ईद की नमाज़ अदा फरमाएँ अगर मौका ना मिले तो दो रकात जैसा कि फितर के वक्त दो रकात शुक्रिया की नमाज़ पढ़ी पढ़ी गई है या दो रकात नफिल नमाज़ पढ़ी गई है या चाश्त इशरा की नमाज पढ़ी गई है तो इसी तरीके से आप नफल अदा कर लें अगर ज़रूरत हो तो हाँ अगर कहीं आपको सहूलत मिल गई आप ईद की नमाज़ ईद उजो अदा कर रहे हैं तो बेहतर है कि अदा कर लें और इसके साथ फ़ौन जो भी कुरबानी का मसले मसाइल बयान किए गए हैं जिस तरीके से आप आपबानी दें और जहाँ भी हो मुनासिब इसके हकदारों को कोबानी का गोश्त वगैरह तकसीम करें जहाँ करोना या पॉजिटिव केसेस या उसके आसार जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ पर ना जाएं। बेहतर है कि ऐसे मकामत पर ना जाए, ऐसे लोग भी इसके अंदर हिस्सा ना लें जिन्हें सिम्टम्स कुछ ना कुछ हो महसूस हो ऐसे लोग मेहरबानी कर कर इसके अंदर हिस्सा ना लें बाहर ना आएँ ऐसे गोश के में वग़ैरह ना फिरें मेहरबानी होगी असलकम अदे विधंग नमाजींद नमाज़ दो रक़त है जो ईद ईद उल फितर और उल अज़हा वाजिब नमाज होते हैं पाँच वक्त की नमाज़ तो फ़र्ज है लेकिन ये वाजिब नमाज है ये वाजिब नमाज दो रकात जायद छः तकबीरों के साथ पढ़ी जाती है जो पहले जैसे ही रकात बांधी जाती है तो पहले सना पढ़ा जाता है फिर छः तकबीर इमाम साहब कहते हैं अल्लाह अकबर दोनों हाथ कानतों को उठाते हैं छोड़ देते हैं फिर दूसरी तकबीर दोनों हाथ कानतों को उठाते हैं छोड़ देते हैं फिर तीसरी तकबीर दोनों हाथ कान तक उठाकर बांध देते हैं यानी पहले तकबीर तहरीमा फिर तीन तकबीर उसके बाद का सुरा सानी सुरा रुकू सजदा फिर दूसरी रकात जैसे शुरू होती है दूसरी रकात के अंदर अलहम का सुरा सानी सुरा रुकू में जाने से पहले झुकने से पहले तीन तकबीर कही जाती है अल्लाह अकबर दोनों हाथ कान तक उठाएँ छोड़ दें फिर अल्लाह अकबर दोनों हाथ कान तक उठाएँ छोड़ दें फिर अल्लाह अकबर दोनों हाथ कान तक उठाएँ छोड़ दें चौथी तकबीर रुकू की तकबीर होती है चौथी तकबीर के साथ रुकू में जाएँ रुकू सुजूद ख़ायदा ख़िर तशहद सलाम दो नमाज ईद अजु की ईद-ul-फितर की यही तरीक़ा है लिहाजा इस तरीक़े से इमाम साहब नमाज़ पढ़ाएँगे आप नीयत कर उनके पीछे इफ्त कर लें नमाज़ अदा कर लें सलामैक अदे विधंगा क़ुरबानी एला चेलो गुड़ा वारी माटल लो नहीं तो देखिएबानी एक है हज़रत इब्राहिम अला नबीन सलाम की अहम बहुत एकदम जिसके बाद शहदा जो जान माल हर तरीक़े से सुहाबा कराम दिन के खातिर शहीद हुए तो अब जो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जो भी कुरबानी दे रहे हैं हमारे अखलास है यानी हमारी नीयत है कि हम फ़लाँ जानवर को यानी फ़लाँ बकरे को फ़लाँ बैल को या भैंस को वगैरह हम खुरबानी देते हैं तो अल्लाह तबारा के पास तो नागोश पहुँचेगा ना कोई खून पहुंचेगा ना ना थोड़ा पहुंचेगा अल्लाह के बारगाह में अगर कोई पहुंचता है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान की नीयत दिल का इरादा अल्लाह के पास पहुंचता है इसी दिल के इरादे को अल्लाह तबारक ताल अजर ववाब देता है अब दूसरी बात है जैसे ही साहिबुरबान जिस पर वाजिब हुई हो तो वो जैसे ही बकरे को जुबा करता है तो ज़ुबा का ख़तरा खून नीचे पड़ने से पहले अल्लाह उसे शहादत का मुकाम अता फ़रमा देता है जन्नत उससे अता कर देता है उसके तमाम गुना माफ़ कर देता है ఇప్పటి వరకు బక్రీద్ గురించి పూర్తి సమాచారం జాయిద్ హుస్సేన్ గారు తెలపడం జరిగింది ఇదే విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ బక్రీద్ని సంతోషంగా జరుపుకోవాలని డీత్రీ న్యూస్ కోరుకుంటున్నారు